गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी रविवार को दिशा की बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर को मिले इस सजा पर बोलते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में हम चुनौती देंगे। मुख्तार अंसारी पिछले 18 सालों से जेल में है, बिना सजा हुए अब तक आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं। गैंगस्टर वाले मामले में जो अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है वह न्यायालय ने दिया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की परिस्थिति 2002-03 में टाडा के मामले में पैदा हुई थी। उस वक्त जज ने इसी तरह के 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई थी और उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया था। अफजाल अंसारी ने आगे कहा कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 पुलिस जब किसी पर कायम करती है तो इस मामले में डीएम का अप्रूवल लिया जाता है और उनके अप्रूवल के बाद ही किसी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला बनता है और जब उसकी चार्जशीट जाती है तभी अप्रूवल होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के इस मामले में डीएम के अप्रूवल के खिलाफ केस कैसे चलाया जा रहा है तो न्यायालय ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसके बाद वह हाईकोर्ट गए जिस पर हाईकोर्ट 16 दिसंबर को तय होना था लेकिन उसके पहले ही मुख्तार अंसारी पर सजा तय कर दी गई। इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में था जब टाडा के मामले में मुख्तार अंसारी पर सजा सुनाई गई थी और उस मामले में भी दिल्ली कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लिया गया था, जिसका आधार मानते हुए जज ने मुख्तार अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया था। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मामले में कुल 5 मुकदमे थे जिसमें से 4 मुकदमे में वह बरी हो चुके हैं, एक मुकदमा शेष बचा है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ में धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा है और एक गैंगस्टर का मामला जिसमें वह बरी हो चुके थे लेकिन अपील पर 5 साल की सजा, एक अन्य मामले में 3 साल की सजा, कुल मिलाकर 20 साल की सजा सुनाई गई है।